हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2023 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर और आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है केन विलियमसन के रिगार्डिंग, जहां पर कल आप लोगों ने आईपीएल का सबसे पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच में देखा होगा और इस मुकाबले में एक कैच की कोशिश करते हुए केन विलियमसन वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनको नी के इंजरी के इशूज़ आ गए थे और उसके बाद उनको इमीडिएटली फील्ड से बाहर लेकर जाया गया था इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, या फिर आप सब्सटीट्यूट या फिर इम्पैक्ट प्लेयर भी बोल सकते हो। उसके तौर पर हमने देखा था कि साई सुदर्शन उसके बाद जीटी की टीम की साइड से हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे नंबर 3 की पोजीशन पर। तो ऐसे में अब रिपोर्टेडली केन विलियमसन की ये जो नीज के स्कैन है वो काफी ज्यादा सीरियस निकल कर आ रहे हैं। जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो अपडेट यही है कि केन विलियमसन काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में है और ऐसे में आगे आने वाले काफी सारे मुकाबलों को आपको स्किप करते हुए देखने को मिलेंगे। अब ये कितने मुकाबलों तक बाहर होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग तो कुछ दिनों बाद ही हमें पता चल पाएगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है आज होने वाले मुकाबलों को लेकर, जहां पर आज हमें आईपीएल 2023 में डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। यानी कि आईपीएल का पहला डबल हेडर हमें आज दूसरे दिन ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज शनिवार है और इस दिन हमें दो मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मुकाबले की बात की जाए तो दिन में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जिनका लास्ट सीजन काफी खराब गया था, उनके बीच में हमें पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। और दूसरा मुकाबला शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और उनके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से आज के मुकाबलों को कौन सी टीम जीतेगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है शुभमन गिल के रिगार्डिंग, जहां पर कल जीटी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले में वैसे तो कई सारे रिकॉर्ड बने, क्योंकि ये पहला मुकाबला था आईपीएल का जिसमें इंपैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी भी चीज़ हुई जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा। दरअसल जब जीटी की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस टाइम पर शुभमन गिल नो बॉल को डीआरएस में रिव्यू करने वाले पहले प्लेयर बन गए। दरअसल शुभमन गिल को ऐसा लगा था कि हाइट की वजह से ये दूसरी बाउंसर है, जिसके बाद इन्होंने उसको रेफर किया था। हालांकि वो गेंद तो नो बॉल नहीं निकली, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने वहां पर थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट किया, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट इस पर लग गए थे। इसके बाद काफी सारे लोगों का ये भी मानना था कि इस तरीके के रूल्स को क्रिकेट से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नो बॉल और वाइट को भी डीआरएस में देने लग जाओगे तो प्लेयर को हर एक गेंद को या फिर हर एक जितने भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं उसमें भी थर्ड अंपायर को रेफर कर पाएगा। और कल भी आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि करीब 4 घंटे तक हमें मुकाबला चलता हुआ नजर आया था। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से क्या इस रूल को कंटिन्यू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले गिव अवे के रिगार्डिंग आप लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी। जितने भी हमारे गिव अवे के पहले आधे विनर्स हैं, यानी कि 20 में से जो पहले 10 विनर्स थे उनके नाम कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अनाउंस कर दिए हैं। वो जो भी लोग हैं वो हमें इंस्टाग्राम पर जल्दी मैसेज कीजिए, आपके घर पर आपको जर्सी और आपकी जो पसंद का बल्ला है यानी कि बैट है वो आपको मिल जाएगा। और अब जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनके पास अभी और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तो आधा ही गिव अवे हुआ है, बाकी के 10 लोग हम अगले हफ्ते अनाउंस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उसके साथ ही जो लोग नहीं भी जीत रहे हैं पूरे आईपीएल इस तरीके के गिव अवे वहां पर चलने वाले हैं, तो अभी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह के रिगार्डिंग, जहां पर जसप्रीत बुमराह जो कि मुंबई इंडियंस की साइड से हमें खेलते हुए देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह अपने इंजरी के इश्यूज की वजह से बाहर हो गए थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की टीम के नेट प्रैक्टिस सेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अगर आप लोगों ने मुंबई इंडियंस की MITV की जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें से किसी एक को भी देखा हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसमें जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे हैं, रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में ईशान किशन भी जब बल्लेबाजी करते हैं तो बैकग्राउंड में आप लोग जसप्रीत बुमराह को देख पा रहे होंगे, जिसका मतलब है कि बुमराह अपना शायद पूरा का पूरा रिहैब मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ही करने वाले हैं। हो सकता है BCCI को इससे जल्दी ही कोई ऑब्जेक्शन देखने को मिले कि बुमराह जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम को रिहैब के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर RCB की टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस मुकाबला जो खेला था उसका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड RCB की टीम ने आउट कर दिया है। जहां पर RCB ने बेसिकली ये जो प्रैक्टिस मुकाबला खेला है इंट्रा प्रैक्टिस मुकाबला था, यानी कि RCB के अंदर ही दो अलग अलग टीमें बनाई गई थी और उस टीमों में से एक को फाफ 11 यानी कि फाफ डू प्लेसी की 11 और दूसरी 11 थी सोयस 11 यानी कि जो सोयस प्रभुदेसाई हैं उनके साइड से हमें दोनों ही टीमों के बीच में मैच देखने को मिला था। तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग था, क्योंकि सोयस 11 ने पहले 20 ओवर में 6 विकेट पर 217 रन बनाए, मैक्सवेल ने 78 रन बनाए 46 गेंदों पर, लोमब्रोर ने 27 गेंदों पर
48 और अनुज रावत ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए। उसके बाद फाफ 11 ने इस टारगेट को वो चेस कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए, 2 रन से इस मैच को हार गए। 20 ओवर में फाफ डु प्लेसी 11 ने 215 रन बनाए 5 विकेट पर। ब्रेसवेल ने सिर्फ 55 गेंदों पर सेंचुरी लगा दी, 105 रन इन्होंने बनाए। फाफ डु प्लेसी ने 35 गेंदों पर 47 रन बनाए और डेविड विले ने 11 गेंदों पर 22 रन बनाए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है जियो सिनेमा के ऊपर। कमेंट्री करते हुए हमें नजर आ रहे हैं दो आईपीएल के लेजेंड्स यानी कि एबी डिविलियर्स और उनके साथी क्रिस गेल, और ये दोनों ही हमें अब अपनी अपनी प्रेडिक्शन कल देते हुए नजर आए, जहां पर इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी आईपीएल की टीमें हमें इस साल प्लेऑफ में जाते हुए नजर आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिस गेल की प्लेऑफ में जाने वाली टीमों की, तो क्रिस गेल के हिसाब से जो 4 टीमें आईपीएल के प्लेऑफ में जाएंगी उनके नाम है गुजरात टाइटंस, इनके साथ ही मुंबई इंडियंस, इनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स और इनके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। इसके बाद अगर हम बात करें एबी डिविलियर्स की प्रेडिक्शन की, तो इनके हिसाब से जो 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी उनमें हमें नाम देखने को मिलता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और उनके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है जियो सिनेमा के यूजर्स को लेकर, जहां पर क्योंकि जियो सिनेमा को इस बार फ्री कर दिया गया है, आईपीएल आप लोग बिल्कुल फ्री में लाइव देख पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे में जियो सिनेमा पर अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है क्योंकि व्यूअर्स के जो एक्सपीरियंस है वो पहले दिन पहले ही मुकाबले में काफी ज्यादा बार एप्लीकेशन को क्रैश होते हुए बता रहे हैं। इसके साथ ही कमेंट्री भी हमें अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रही है, और इसके साथ ही कई बार ऐसा हो रहा है कि इसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है या फिर चलते हुए मैच के बीच में अचानक से ऐड आ जाती है। तो ऐसे में काफी सारे छोटे मोटे ग्लिचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और काफी सारे लोगों का मानना है कि पास्ट में जब हॉटस्टार के ऊपर मुकाबला आता था तो भले ही वो पेड होता था लेकिन उसके ऊपर जो देखने का एक्सपीरियंस होता था वो इससे काफी ज्यादा बेहतर था। खैर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से जियो सिनेमा या फिर हॉटस्टार कौन सी एप्लीकेशन को आप लोग प्रायोरिटी देना चाहेंगे अगर हम लोग पैसे वाले फैक्टर को हटा दें, क्योंकि आने वाले सालों में तो पैसे वाला फैक्टर वैसे भी जियो सिनेमा में आ जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट की तरफ जो कि निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एकमात्र ऐसी टीम थी जिनकी आईपीएल की जो जर्सी होने वाली थी ऑफिशियल, उसको कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि एसआरएच की जो ट्रेनिंग वाली जर्सी थी उसको स्पॉन्सर मिल गया था, लेकिन अब फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर मिल चुका है आईपीएल 2023 के लिए, और इसके साथ ही इनकी जो जर्सी है वो भी अब एक तरीके से ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी हमें देखने को मिली है, वॉशिंगटन सुंदरी जर्सी में आपको नजर आ रहे होंगे, और इनका जो फ्रंट टाइटल स्पॉन्सर है उसके तौर पर भी आप लोग फैन क्रेज का नाम देख पा रहे होंगे, और इसके साथ ही आप लोग इनके जो छोटे मोटे बाकी के लोगों से जैसे कि KUHL जो कि स्टाइलिश फैंस की कंपनी है उसको भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।